हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। नाउ टाइम फॉर चैप्टर 7 एंड दिस इज चैप्टर 7 मेजरमेंट ऑफ लेंथ। इनकी लेंथ की मेजरमेंट, उसका नापना, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। देखिए, टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी यूज मेट्रिक सिस्टम। जब हम किसी लेंथ को नापते हैं तो, या किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ को नापते हैं तो उसका हम मेट्रिक सिस्टम यूज़ करते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इस सिस्टम इज मीटर। जो बेसिक यूनिट होती है लेंथ की वो मीटर होती है। हाउएवर द स्मॉलर लेंथ यूनिट आर सेंटीमीटर मिलीमीटर विच आर यूज फॉर मेजरिंग शॉर्टर ऑब्जेक्ट। यानी सबसे छोटे जो ही लेंथ होती है, यूनिट होती है, वो सेंटीमीटर और मिलीमीटर होती है, सबसे छोटी, जो कि हम किसी छोटे ऑब्जेक्ट को मेजर यानी कि नापने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, ये एक मीटर स्केल है। ये देखिए, पूरा 100 लिखा हुआ है, यानी कि ये मीटर जो है, ये 100 मीटर सेंटीमीटर का स्केल है। लुक एट द अबव पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए। अ मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट। इसे को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया है। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेंटीमीटर। इसके हर एक पार्ट को सेंटीमीटर कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हो गया, यानी कि 10 सेंटीमीटर का हो गया। टोटल है 100 सेंटीमीटर का। एंड देखिए, विच शॉर्टलिस्ट राइट मीटर फॉर एम फॉर मीटर इन सेंटीमीटर फॉर सेंटीमीटर। ये जो स्केल है पूरा 100 सेंटीमीटर का है। 100 सेंटीमीटर मिलकर के एक मीटर बनाते हैं। मीटर को हम शॉर्ट में लिखते हैं एम, सेंटीमीटर को लिखते हैं सी एम। देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि 1 एम को हम 100 सी एम लिख सकते हैं। मीटर इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। मीटर जो है लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, प्लेग्राउंड एक्सेट्रा। जैसे आपके क्लासरूम की लेंथ या प्लेग्राउंड की लेंथ हमें मेजर करनी हो, नापनी हो, तो मीटर का यूज़ करेंगे। वेरी लॉन्ग डिस्टेंस आर मेजर्ड इन किलोमीटर। और जो बहुत ही ज़्यादा लंबी डिस्टेंस होती है उन्हें किलोमीटर में मेजर करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टाउन इज मेजर्ड इन किलोमीटर। इनके किसी टाउन की एरिया की हम जब मेजरमेंट करते हैं, नापते हैं, तो किलोमीटर में नापते हैं। वी शॉर्टली राइट किलोमीटर इन KM फॉर किलोमीटर। किलोमीटर को हम KM लिखते हैं। देखिए, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं एंड 1 किलोमीटर में 100 मीटर होते हैं, यानी कि 100 सेंटीमीटर से मिलकर 1 मीटर बनता है, और 1000 मीटर मिलकर के 1000 मीटर बन करके 1 किलोमीटर बनाते हैं। देखिए, कन्वर्शन ऑफ मीटर इंटू सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए कैसे चेंज करेंगे। 6 मीटर है, तो 6 पहले हमने लिख लिया। मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। तो मीटर की जगह हम 100 कर देंगे, 6 × 100। तो यानी कि 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होते हैं। 9 मीटर एंड 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे पास है, हमें सिर्फ और सिर्फ 9 मीटर को कन्वर्ट करना है। 9 मीटर प्लस 12 सेंटीमीटर लिखेंगे, 12 सेंटीमीटर को ऐसे लिख देंगे। 9 का 9 लिखा, मीटर को हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 100 लिख देंगे। 100 सेंटीमीटर प्लस 12, 9 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 सेंटीमीटर हो जाएगा। प्लस 12 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे पास है, तो जब इसका प्लस करेंगे तो 912 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए, प्रैक्टिस करिए। 8 मीटर है, इसको जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 8 × 100 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 5 मीटर इंटू 700 सेंटीमीटर, तो देखिए 5 × 100 करेंगे प्लस 70 सेंटीमीटर करेंगे। जब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 570 सेंटीमीटर। देख किस तरीके से करेंगे, मैं बताती हूँ। देखिए, ये है 6 मीटर एंड है 40 सेंटीमीटर। तो देखिए, 6 हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो 6 × 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, 100 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर को हम इसी तरीके से लिखेंगे, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी है। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 सेंटीमीटर हो गया, प्लस 40 सेंटीमीटर ऑलरेडी हमारे पास है। जब हम इसे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 640 सेंटीमीटर, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 640 सेंटीमीटर। ओके, इसी तरीके से तीनों आपको करने हैं। देखिए, यहाँ पर भी एग्जांपल दिया हुआ है, और एक एग्जांपल मैंने यहाँ समझा दिया है आपको। ये यहाँ पर इस तरीके से करना है, सॉल्व करके आंसर नोट करना है। अब देखिए, ऐड द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको ऐड करना है, मीटर मीटर में दिया हुआ है 152 + 131 मीटर। 2 + 1
थ्री, 5 + 3 कितने होंगे, 8 हो जाएंगे, 8, 1 + 1 2 हो गया। इसी तरीके से सभी आप ऐड हैं, ऐड आपको ऑलरेडी सिखाए जा चुके हैं, तो ये ऐड आपको अपने आप करने हैं। अब ये देखिए, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है। 173 में से 141 माइनस करना है, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो कितना रह जाएगा, देखिए 1, 2, 3 3 है, 1 माइनस करा तो 2 रह गया, तो यहाँ पर आ गया 2। 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 4 माइनस कर देंगे, 1, 2, 3, 4 बचा कितना, 1, 2 and 3 3 आ गया, 1 माइनस 1 0 रह जाएगा, ये हो गया मीटर। मल्टी सब्ट्रैक्ट भी आपको ऑलरेडी आपको सिखाए जा चुके हैं, तो ये सब्ट्रैक्ट आपको अपने आप करने हैं। अब ये देखिए, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लेंथ, यहाँ पर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन है, ये आपको अपने आप करने हैं। देखिए ये एक में हम करके दिखाते हैं, 45 + 30 है, 5 का 0 से प्लस करेंगे तो 5 आएगा, 4 + 3 करेंगे तो 4, 5, 6, 7 तो यहाँ पर आ गया 7, 6 + 8 है, 6 + 8 करेंगे तो कितना आएगा, काउंट कीजिए और बताइए कितना आएगा, 14 आ जाएगा। कैरी 1, 3 + 3, 6 + 1, 7 देखिए अब ये हो गया, ये सब्ट्रैक्ट इसी तरह सॉरी एडिशन है, एडिशन आपको इसी तरीके से पूरे करने हैं, आपको एडिशन ऑलरेडी सिखाए जा चुके हैं, तो ये ऐड आपको अपने आप करने हैं। एंड यहाँ पर देखिए, ये सभी हैं सब्ट्रैक्शन, तो 8 माइनस 4 कितना होगा, 4, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए यहाँ पर आ गया 4 - 6 नहीं हो सकता, तो हमने क्या बताया था, इसको यहाँ पर कैरी ले लेंगे, तो कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 14, 14 - 6 कितना होगा, 8। अब देखिए यहाँ पर कितना रह जाएगा, 3, क्योंकि 1 यहाँ पर हमने कैरी ले लिया है, 3 - 3 0 हो गया। इसी तरीके से बाकी सभी सब्ट्रैक्शन आपको अपने आप करने हैं, तो ये आपका होमवर्क है, इसे कीजिए, बाकी का चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।